सुद्रियाल ने जिले में विगत महीनों में हुए नवाचारों एवं विकास कार्यों पर सभी मीडिया प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा के दौरान बताया कि युवाओं के लिए बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए गुरु गोविंद सिंह आउटडोर स्टेडियम में आधुनिक तकनीक के खेल उपकरण स्थापित किए जाएंगे। वहीं यह कार्यक्रम जिला पंचायत के सभा कक्ष में आयोजित किया गया था। खंडवा कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोशन सिंह ने खंडवा जिले में हुए विकास कार्यों की एक एक कर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर बेहतर संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं जिले के 495 दिव्यांगों के UDID कार्ड तथा 836 विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं तथा जिले के युवाओं के लिए आधुनिकतम खेल उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मेरी भी जिम्मेदारी कार्यक्रम के तहत सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर बेहतर संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें लापरवाही बरतने वाले कार्यकर्ताओं का वेतन काटने और पद से पृथक करने की कार्यवाही का भी ब्यौरा दिया गया है। जिले के दिव्यांग लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए बस किराए पर 50% तक छूट प्रदान की गई है। वहीं कलेक्टर श्रुतियाल ने बताया कि युवाओं के लिए बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए गुरु गोविंद सिंह आउटडोर स्टेडियम में आधुनिक तकनीक के खेल उपकरण दिए जा रहे हैं तथा जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। शासकीय हॉस्पिटल में मरीजों के लिए अत्याधुनिक उपकरण खरीदे गए हैं जिससे गरीब परिवार के मरीजों का बेहतर इलाज होगा। खंडवा से अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट। इन्वेस्टमेंट हम लोग चाहे टेनिस कोर्ट्स हो, बैडमिंटन कोर्ट हो, जिम इक्विपमेंट हो, इंडोर जिम हो, आउटडोर जिम हो, वो सारे इक्विपमेंट्स का हम लोगों ने ताइक्वांडो का इक्विपमेंट का 10 लाख का हमने सीएसआर से लिया। शेष हमको गवर्नमेंट ऑफ एमपी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की वजह से मिला। इतना इन्वेस्टमेंट हमने पुल इन किया है ताकि यहाँ पे लोगों को स्वस्थ रहने में फायदा मिले। तो ये हमारा टोटल स्कोप था आज के कार्यक्रम का, जिसमें हम लोगों ने सोशल सेक्टर में हमने एजुकेशन में और हेल्थ में क्या क्या काम किया है वो हमने डिलिमिनेट किया। जैसे अगर आज सुबह करना है तो कल शाम को हम जिले के ग्रुप पे सभी अधिकारियों को सूचित कर देते हैं कि आपको फलां गांव में फला फला आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों का निरीक्षण करना है। प्रारूप उनके पास दे देते हैं, ये प्रारूप है आपका, और शाम तक हमारे पास रिपोर्ट चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे मेल के माध्यम से, चाहे हार्ड कॉपी में जमा हो जाती है। तो उसके बेसिस पे हम अपना कमियां निकालते हैं और उन कमियों पे वर्क करके एक्शन टेकिंग रिपोर्ट बनाते हैं। पिछले चरण में हमारे 3 कार्यकर्ता हैं जो अनुपस्थित थे, उनको पद से पृथक किया गया है। कुछ जगह ऐसे थे जहाँ पे कि मेन्यू अनुसार भोजन नहीं मिल रहा था, वहाँ पे हमने भी शोकॉज दिया है, और अगर दोबारा के इंस्पेक्शन में पाया जाता है कि वहाँ सुधार नहीं हुआ है तो हम उस पर उन पर अब जो है उनको पद से पृथक करने की कार्रवाई करेंगे।